इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइं टू लर्न अबाउट अनादर वेरी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल रेशो एंड दैट इज़ कॉल्ड द इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो सो वी ऑल नो दैट इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस वी हैव टू मेनटेन इन्वेंट्रीज और आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इन्वेंट्री होती क्या है सो so, इन्वेंट्री वो uh, चीज़ें हैं या स्टॉक है जो कि कोई भी गुड्स या रॉ मटीरियल के फॉर्म में कोई भी कंपनी अपने पास होल्ड करके रख रही है सो इट कैन बी द रॉ मटीरियल और एनी प्रोडक्ट्स विच आर गोइंग टू बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन uh, के लिए या कोई भी जो आप प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं आप उसके लिए उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं सो so, जब आप इन्वेंट्री को विध करते हैं अपने पास तो आप अपना कैश या मनी उसके फॉर्म में उन प्रोडक्ट्स के फॉर्म में विधहोल्ड कर रहे हैं तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डायमेंशन दैट वी आर गोइंट टू लुक एट द रेशो विच टेक्स इन टू अकाउंट इन्वेंट्री की वैल्यू कि आपके पास इन्वेंट्री नाइसली इस्तेमाल हो रही है या आपने इन्वेंट्री विदहोल्ड की हुई है और जो आपके टोटल अर्निंग्स हैं उनमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही उनसे आप आप उससे कुछ कमा नहीं पा रहे सो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ प्रोवाइडेड टू यू और प्रोवाइडेड टू अस और द स्टेक होल्डर्स

और नई इन्वेंट्री को जब आपने लेकर आए हैं तो उसमें गैप कितना था तो दिस इज दिस इज़ वॉट इट हेल्प्स आस इन असेसिंग और एनालाइजिंग सो वेन वी लुक एट द फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो वी सी दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ सेल्स इन द न्यूमिनेटर एंड द एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू इज पुट इन द डीनिनेटर सो जब हम एवरेज इन्वेंट्री की बात करते हैं तो अगैन अगर आप एक साल की बेसिस के ऊपर एनालिसिस करें तो बिगनिंग ऑफ द ईयर के ऊपर इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी एंड ऑफ द ईयर के ऊपर आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी आपने वो दोनों वैल्यूज लेके उसकी एवरेज निकाली है दैट मीन यू आर गोइंग टू ऐड एंड डिवाइड द वैल्यू बाय टू डिवाइड द सम वैल्यू बाय टू और इस वैल्यू से सेल्स की वैल्यू को डिवाइड कर देना है तो आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर ओवर रेशो आ जाएगा नाउ

फॉर इन्वेंट्री टू टर्न इन टू सेल्स सो आपके पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है वो सेल्स में कन्वर्ट होने में कितने दिन लगाती है सो so, ये चीज़ आपको बताया क्या रही है कि आपका कंपनी कितना अफिशेंट है कितना एफिशेंटली ऑपरेट हो रहा है तो अगर डेज इन्वेंट्री um, uh, को सेल्स में कन्वर्ट होने में नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लग रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी कंपनी या कोई भी कंपनी इनफिशेंट है एंड इफ द स्पैन इज शॉटर

बताती है कि कंपनी बहुत एफिशिएंटली काम कर का रही है और जितनी डीएसआई uh, की वैल्यू बड़ी होती जाएगी इसका मतलब है इन्वेंट्री का सेल्स में कन्वर्ट होने का टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है तो वो आप किसी भी कंपनी के बारे में बताती है कि वो इनफिशेंटली ऑपरेट हो रही है सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेशो विच हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ओवरऑल एफिशंसी ऑफ अ कंपनी और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू नोट डाउन और अंडरस्टैंड इज़ दैट जिस तरह से हमने आर के लिए डिस्कस किया था कि रिटर्न ऑन एसेट्स में हम विद इन अ सेक्टर ही कंपेयर कर सकते हैं अक्रॉस द सेक्टर्स या अक्रॉस द इंडस्ट्रीज आप आर की वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते वहाँ लिमिटेशन डिस्कस की थी इसी तरह से डे सेल्स ऑफ इन्वेंट्री की की वैल्यू को भी आप विद इन अ सेक्टर कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज द डे सेल्स ऑफ इन्वेंट्री या डी की वैल्यू सिग्निफिकेंटली वेरी करती है फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जहाँ डी की वैल्यू ऑन एवरेज है ही लार्ज तो दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी नोटेड डाउन और जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा कि जो सुपर हैं उनकी जैसे ही सामान आ रहा है मटेरियल आ रहा है बेचने के लिए वो फ़ौर चंद दिनों में बिक जाएगा तमाम सामान लेकिन अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से एग्जांपल है जनरल मोटर्स की फॉर एग्जांपल तो व्हीकल्स कि इन्वेंट्री मेंटेन हुई हुई है उनको निकलने में सारी की सारी इन्वेंट्री को निकलने में रिलेटिवली ज़्यादा काम ज़्यादा टाइम पीरियड दरकार होगा सो so, इसलिए हम अक्रॉस द सेक्टर्स अक्रॉस द इंडस्ट्रीज डे सेल्स ऑफ इन्वेंट्री की वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते